Again, welcome to my channel, The Help Station. This is Neeraj here. Today we cover the main topic, that is our VAM. VAM means Vogel approximation method. तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल सीखे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखा, लीस्ट कॉस्ट मेथड देखा, आज हम सीखने जा रहे हैं VAM यानी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो चलिए आपको बताते हैं। तो ये मेथड है जो हमारा प्रिफर्ड ओवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड VAM, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने हैं और इस मेथड से हम या तो सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा या सोल्यूशन ऑप्टिमल के बहुत ही करीब होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। सबसे पहले हमें सेल को चेक करना होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। वो ऐसा सेल होगा जिसकी जो कॉस्ट होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। तो हमें उस सेल को चूज करना है जिसकी कॉस्ट सबसे स्मॉलेस्ट हो, या वो चाहे रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, ठीक, उसको हमें चेक कर लेना है, ठीक। सेकंड स्टेप हमें देखना, फाइंड द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच कॉलम। पहले हमने रो में देखा, कॉलम में देखा। जब हमने रो में देखा तो हमें फाइंड आउट करनी थी क्या, रो पेनल्टी। सेकंड स्टेप हमने देखा क्या, फाइंड करना कॉलम पेनल्टी, ठीक। हमने ये दो स्टेप फॉलो किए। थर्ड स्टेप में हमें क्या देखना है, सिलेक्ट द रो और कॉलम विद द मैक्सिमम पेनल्टी एंड फाइंड सेल दैट, ठीक है। तो हमें इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या देखना है, ऐसी रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा पेनल्टी मैक्सिमम हो, यानी हमें चेक करना है रो पेनल्टी वाली और कॉलम पेनल्टी वाली में सबसे मैक्सिमम पेनल्टी किसकी है, ठीक है। फाइंड द सेल दैट लीस्ट कॉस्ट इन सेलेक्टेड रो। फिर हम जब मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमें उसी रो या कॉलम में देखना है कि सबसे कम हमारी कॉस्ट किसकी होगी, कॉलम में हो या रो में हो, ठीक। उसके हिसाब से फिर हम पेनल्टीज का एलोकेशन देंगे। फोर्थ स्टेप में हमें देखना है, एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड, क्रॉस आउट द सेटिस्फाई रो और कॉलम। सप्लाई डिमांड हमारी सेटिस्फाई हो रही हो और हम उस कॉलम को और रो को क्रॉस कर देंगे, ठीक। ये फिफ्थ स्टेप में हमें ये तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमारा डिमांड और सप्लाई जीरो ना हो जाए। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। सप्लाई दी हुई है हमारी इधर, इधर डिमांड दी हुई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ सप्लाई कॉन्स्टेंट्स हैं कितने हैं, थ्री हैं, एस वन है, एस टू है, एस थ्री है। डिमांड कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, फोर, डी वन है, डी टू है, डी थ्री है, डी फोर है, ठीक है। ये हमारी सप्लाई दी हुई है, ये हमारी डिमांड दी हुई है, ठीक है। मूव, अब हम देखते हैं फर्स्ट टेबल एलोकेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टेबल में हमने सबसे पहले क्या कहा था, आपको कॉलम पेनल्टी निकालनी है और रो पेनल्टी निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, हमें सबसे पहले दो मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्शन करना है, ठीक है। अगर हम कॉलम पेनल्टी निकाल रहे हैं तो कॉलम में हमें दो मिनिमम कॉस्ट का सिलेक्शन करना, अगर हम रो पेनल्टी निकाल रहे हैं तो हमें रो पेनल्टी के अंदर दो कॉलम दो का मिनिमम कॉस्ट का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम रो पेनल्टी निकाल रहे हैं, हमें इसमें दो मिनिमम देखनी है। दो मिनिमम क्या है, इसमें S1 सप्लाई में हमने दो मिनिमम चेक की, दो मिनिमम कॉस्ट हमारी कौन सी थी, एक है 10 उसके बाद 19, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, इधर राइट कर दिया, ठीक। फिर से हमने यही सेकंड स्टेप में यही फॉलो किया, फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है मिनिमम 30, 40, फिर निकाला। फिर हमने यहाँ पे देखा क्या है, यहाँ पे 8 है, 20 है, फिर निकाला। यही प्रोसीजर हमने सेम कॉलम पेनल्टी के लिए फॉलो किया, ठीक। हमने कॉलम पेनल्टी में फिर से यही चूज किया, कॉलम में देखना है कि सबसे दो छोटी कॉस्ट कौन सी है। हमने देखा यहाँ पे दो छोटी कौन सी है, 40, 19, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। फिर हमने यहाँ पे देखा दो छोटी कौन सी है, 8 है और यहाँ पे 30 है, दोनों का डिफरेंस निकाला। फिर हमने इसमें यहाँ पे देखा कौन सी है, 40 है, 50, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा। फिर हमने यहाँ पे देखा कौन सी है, दो मिनिमम 10, 20 डिफरेंस। देन फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट कर ली, रो पेनल्टी फाइंड आउट कर ली। अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है कि जो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी हो, तो हमें चेक कर लेनी चाहिए 9 है, 10 है, 12 है, 10 है, 10 है, 22 है, 21। सबसे मैक्सिमम क्या हुआ हमारा पेनल्टी, 22, ठीक। अब 22 हमारा किसमें आ रहा है, कॉलम पेनल्टी में। तो हम सीधे इसके ऊपर कॉलम पेनल्टी को चेक करेंगे कि इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट हमारी कौन सी है, फिर हम उसको एलोकेट करेंगे और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको एलोकेशन देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टेबल में फिर से देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा सबसे हमारी छोटी कौन सी थी, 8 थी, ठीक। हमने इसको एलोकेशन दिया और यहाँ पे हमने देखा डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाई कराना था,
ठीक, हमने यहाँ पे देखा कि डिमांड हमारी सेटिस्फाई होगी, जितना एलोकेट हुआ था हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको क्रॉस आउट कर दिया। ठीक, सेम स्टेप हमें फिर से यही फॉलो करना है थर्ड टेबल में, और हमें फिर से रो पेनल्टी निकालनी होगी, कॉलम पेनल्टी निकालनी होगी, फिर से चेकआउट करना होगा और फिर से मैक्सिमम पेनल्टी देखनी होगी। उसके बाद जो हमारी पेनल्टी जिस कॉलम में आ रही या रो में आ रही उसमें हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट फिर से देखनी होगी। तो थर्ड टेबल में हमने फिर से देखा कि हमारी जो कॉलम थी एस थ्री में हमने देखा, जैसे चेक किया कि यहाँ पर हमारी जो मिनिमम कॉस्ट थी कौन सी है, मिनिमम कॉस्ट को हमने चेक किया, जैसे यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हमारी आ रही थी 19.5 को हमें सेटिस्फाई कराया, हमने इसको सेटिस्फाई कराया। ठीक है, जो हमारी मिनिमम कॉस्ट थी हमें इसको सेटिस्फाई कराया। ठीक, मिनिमम कॉस्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें वही प्रोसीजर फॉलो करने थे, कौन से, हमें पहले पेनल्टी निकालनी थी और कॉलम पेनल्टी रो पेनल्टी उसमें से मैक्सिमम देखना था, मैक्सिमम क्या है उसके बाद सेटिस्फाई। तो हमने पिछली टेबल में जैसे फाइंड आउट कर लिया था कि कौन सी मैक्सिमम होगी, तो ठीक है, तो हमने पिछली टेबल में क्या देखा था कि यहाँ पे 21 मैक्सिमम था, 22 के बाद 21 मैक्सिमम था, यानी हमें D1 कॉलम में फाइंड आउट करना था। फिर हमने देखा D1 में सबसे छोटा कौन सा था, 19.5 था। ठीक, तो हमने 19.5 को सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पे देखा, तो ये कॉलम में सेटिस्फाई हुआ, डिमांड यहाँ पे जीरो हो गई और हमने इसको क्रॉस स्ट्राइक कर दिया। ठीक, सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करेंगे हम, यही अब हमें इसमें देख लेनी है सबसे कौन सी पेनल्टी मैक्सिमम है। तो यहाँ 40 है, 20 है, 40 है, 10 है, 10, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम हमारी 50 आ रही, 50 किस में जा रही, रो में जा रही, यानी S3 में जा रही है। तो हमें एलोकेशन जो देखना होगा किसमें, S3 में देखना होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे फिर से टेबल 4 में देखा, टेबल 4 में हमने फिर से वही क्या किया, S3 में एलोकेशन देखा, S3 में हमारी मिनिमम कॉस्ट कौन सी थी, आ रही थी 10 आ रही थी। ठीक है, 10 को हमने एलोकेट करने के लिए डिमांड और सप्लाई से सेटिस्फाई देखना होता है, जिसमें डिमांड सेटिस्फाई हो रही है या सप्लाई सेटिस्फाई हो रही हम उसके हिसाब से इसको एलोकेट कर देते हैं। ठीक, हमने एलोकेट किया, यहाँ पे देखा कि ये सप्लाई जीरो होगी और हमने इसको S3 सप्लाई को क्रॉस आउट कर दिया। फिर अब हमें चेक कर लेना है कि यहाँ पर कौन सी सबसे ज्यादा पेनल्टी है अभी भी। तो हमने देखा 40 है, 20 है, 10 है, 50 है, यानी ये 50 हमारी जो कॉलम में आ रही कॉलम पेनल्टी D4 ये हमारी फिक्स से मैक्सिमम है। हम नेक्स्ट टेबल में फिर से इसको फॉलो करेंगे, चलिए चलते हैं। अब हमने फिर से देखा, हमने क्या देखा D4 में हमें फाइंड आउट करनी थी, D4 में हमारी जो सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी थी, 10 थी। ठीक, 10 को हमने सेटिस्फाई कराने के लिए सप्लाई से सेटिस्फाई हो गया, सप्लाई से जब सेटिस्फाई हमने डिमांड सप्लाई में दोनों में सेटिस्फाई करा लिया तो हमारी S1 कॉलम S1 रो क्रॉस आउट हो गई। ठीक, सेम प्रोसीजर हमें फिर से यही नेक्स्ट सिस्टम में फॉलो करना होगा। ठीक है, हमें देखना कॉलम पेनल्टी ज्यादा है कौन सी या रो पेनल्टी ज्यादा है कौन सी। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, 60 ज्यादा है। ठीक है, 60 यानी ये हमारी कॉलम पेनल्टी ज्यादा है, तो हम इसी कॉलम को लेंगे। अब इसी कॉलम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास केवल और केवल एक ही कॉस्ट बची हुई है, यानी यही हमारे लिए सबसे मिनिमम होगी। ठीक, तो हम फिर से यही स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही देखा, फिर से हमें यही एलोकेट करना था, तो हमने यही देखा कि यहाँ पे 60 को एलोकेशन दिया। ठीक है, 60 को जब एलोकेशन दिया यहाँ पे सप्लाई डिमांड में सेटिस्फाई कौन सा हुआ, डिमांड सेटिस्फाई हुई, क्योंकि ये हमारी कॉलम पेनल्टी थी, हमने फिर से इसको क्रॉस आउट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो दो रोज आ रही है ये सेम है, और यानी अब जब दो रोज हमारी सेम आ रही होंगी तो जो हमारी कॉस्ट होगी वो एक ही बची होगी, यानी दिस 40 ओनली वन कॉस्ट इज लेफ्ट। तो हमें इसको इन्हीं दोनों कॉलम पेनल्टी और रो पेनल्टी से सेटिस्फाई करा देना होगा, क्योंकि इक्वल डिमांड और सप्लाई का एलोकेशन दे देंगे और सेटिस्फाई हो जाएगी और नेक्स्ट टेबल में पूरी क्रॉस आउट हो जाएगी और हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस आउट करा देते हैं और यहाँ पे तब तक करना होता था जब तक कि हमारी सभी डिमांड्स और सभी सप्लाई जीरो ना आ जाए। ठीक, फॉलो द सेम प्रोसीजर हेयर, एलोकेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑन 40 टू कंट्रीब्यूट हेयर, देन वी फॉलो नेक्स्ट टेबल। ठीक, हमने यहाँ पे सभी को एलोकेशन दे दिया, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जो सोल्यूशन थे वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है या नहीं है, हमने देखा डीजेनरेसी या नॉन डीजेनरेसी कैसे है। डीजेनरेसी नॉन डीजेनरेसी निकालने के लिए हमें सिंपल फार्मूला एलोकेट करना होता है, कौन सा फार्मूला, M+N-1, M होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, N होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, हमने देखा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज कितने, हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स 4 थे, नंबर ऑफ रोज हमारी 3 थी, टोटल एड किया 7, -1 6 आया,
और हमने देखा है कि एलोकेशन कितना हो रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, यानी 6 इक्वल टू 6, यानी दिस इज द सोल्यूशन वेयर नॉन डिजेनेसी इज फॉलोज। ठीक है, तो हमें इसके आगे कोई भी सोल्यूशन नहीं, हमारा सोल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, नॉन डिजेनेसी आ चुकी। अब हमें सिंपल सा इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेनी है। ठीक है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हमने पिछले भी स्टेप्स में जो फॉलो किए थे पिछले वीडियोस में देखा था कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते थे प्लस, फिर जो दूसरी कॉस्ट प्लस, तीसरा मल्टीप्लाई प्लस, फिर चौथा, फिर प्लस, फिफ्थ प्लस, सिक्स प्लस, सभी को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल ली थी। तो अभी तक हमने ये सब कुछ समझा, चलिए तो आपको बताते हैं फिर। तो हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादा से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट्स आल्सो कम्स इन अवर इंटरनल एग्जामिनेशन एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सिलेबस। सो वी विल कवर ऑल द थिंग्स इन अवर वीडियोज एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके के अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिए।